आज मैं आपको ले जाने वाला हूं इंदौर के सबसे बड़े प्राणी संग्रहालय कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में। इस वीडियो में हम जानेंगे इस प्राणी संग्रहालय के बारे में और देखेंगे बहुत सारे खूबसूरत और विचित्र प्राणियों को और खूबसूरत पक्षियों को। हेलो नमस्ते राम राम, मैं हूं जियान, बने रहिए मेरे साथ। कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है और यह सेंट्रल म्यूज़ियम के बिल्कुल ही नज़दीक है। यहाँ का टिकट 20 रुपया है। वीडियोग्राफी के लिए अलग चार्ज है। व्हीलचेयर की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। यह संग्रहालय नगर पालिका के अंतर्गत कार्यरत है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। तब इसका क्षेत्रफल सिर्फ 17 एकड़ था। प्राणियों की वृद्धि और उनकी सुविधा के लिए इसका निकटवर्ती क्षेत्र जिसे कैदी बाग कहा जाता है उसे 1998 और 99 के बीच इसमें मिला दिया गया और आज इसका क्षेत्रफल 51 एकड़ है। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर मचान बनाए गए हैं जिन पर आप खड़े होकर इन शेरों को और इन जीवों को बिना किसी अवरोध के देख पाएंगे। दूसरे संग्रहालयों की तरह यहाँ पर जालियाँ तो लगाई गई हैं पर यहाँ पर छोटे छोटे पिंजरे नहीं बनाए गए हैं। बहुत बड़ा बाड़ा बनाया गया है जिसके आसपास रेलिंग लगा दी गई है जिस कारण ये खुली जगह में भ्रमण कर सकते हैं और देखने वालों को भी बिना किसी अवरोध के ये प्राणी जंगल में जिस प्रकार रहते हैं उस तरह देखने का मौका मिलता है। यहाँ पर आप इनको अपना प्राकृतिक व्यवहार करते हुए देख पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कोई डिस्कवरी चैनल देख रहा हूँ क्योंकि इतने नज़दीक से मैंने कभी शेरों को नहीं देखा था। दूसरे बहुत सारे उद्यानों में मैंने इन्हें पिंजरे में बंद देखा है जहाँ पर ये ज़्यादा कुछ करते नहीं, सिर्फ बैठे रहते हैं, पर यहाँ पर आप इन्हें दौड़ते हुए एक दूसरे के साथ खेलते हुए देख पाएंगे। दुनिया और भारत के विभिन्न भागों से विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पशु पक्षी यहाँ पर लाए गए हैं जिसमें आप बंगाल टाइगर, बब्बर शेर, मगरमच्छ, घड़ियाल, हिमालयन भालू, हाथी और अलग अलग प्रजातियों के बंदरों और प्राणियों को आप देख सकते हैं। साथ ही में बहुत सारे पक्षी भी यहाँ हैं जिसमें शुतुरमुर्ग, सफ़ेद मोर, बत्तख, रंग बिरंगे तोते और विभिन्न प्रजातियों के उल्लू और खूबसूरत पक्षी को इस संग्रहालय में रखा गया है। अब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सांपों को लाने की भी योजनाएं बनाई गई हैं इसलिए यहाँ पर उनको वातानुकूलित रखने के लिए एक नई इमारत का निर्माण किया जा रहा है जिसे आप आने वाले समय में यहाँ पर देख पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चों के लिए जू देखना हमेशा रोचक होता है और यहाँ पर आने वाले लोगों में बच्चों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर फनी मिरर हाउस बनाया गया है जिसमें आप अनेक प्रकार के कांच मिरर देख पाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आपकी ये भ्रांति दूर हो जाएगी कि आईना आपको हमेशा सच्चाई दिखाता है। यहाँ के आईने आपको बहुत ही अलग अलग तरीके से दिखाते हैं जिसमें आप छोटे बड़े लंबे पतले और अलग अलग शेप के इन आइनों में नज़र आते हैं और बच्चे यहाँ पर आकर बहुत ही खुश होते हैं। यहाँ पर आप बहुत बड़े बड़े घड़ियालों और मगरमच्छों को देख सकेंगे साथ में कुछ ऐसे जीव जो आपको ज़्यादा नज़र नहीं आते या ज़्यादातर प्राणी संग्रहालय में नहीं दिखते वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। हिरण जैसे जीवों के लिए यहाँ पर अलग बाड़ी की व्यवस्था की गई है जिससे इनका बचाव मांसाहारी जीवों से हो पाए। यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के द्वारा लाया गया खाना इन्हें खिलाना बिल्कुल ही वर्जित है। सो अगर आप जाते हैं तो इन्हें कभी भी अपना लाया हुआ खाना खिलाने की कोशिश ना करें। यहाँ पर बहुत सारे प्रजातियों के जीव और अलग अलग प्रजातियों के पक्षी तो थे पर यहाँ पर मुझे कहीं जिराफ नहीं दिखाई दिया और ना ही कहीं पर ज़ेब्रा दिखाई दिया। शायद अभी तक जिराफ और ज़ेब्रा को यहाँ पर नहीं लाया गया है। शायद आने वाले समय में उन्हें भी हम यहाँ पर देख पाएंगे। ये जो सामने दिख रहे हैं ये भेड़िए हैं।
जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर इस तरह के बड़े बड़े मचान बनाए गए हैं जिन पर आप खड़े होकर इन बाड़ों के पार बैठे हुए शेरों को देख पाएंगे। सामने जो आपको दिख रहा है ये बंगाल रॉयल टाइगर है। यहाँ पर एक वाइट टाइगर भी है जिसे मैं देख नहीं पाया, मेरा नसीब शायद ख़राब है। मैंने यहाँ के अधिकारियों से पूछा कि मुझे यहाँ पर कहीं डायनासोर दिखाई नहीं दिए, तो उन्होंने कहा सर आप थोड़े लेट आए हैं। मैंने कहा कि कितना, उन्होंने कहा सर 6 करोड़ साल। अगर आपको मेरा जोक पसंद आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट भी कर दीजिए। और वो देखिए वो सामने आपको दिख रहा है वो भालू है, देखा। यहाँ पर खड़े होकर हमने शूटिंग ली थी और इस तरह बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। और वीडियो चल पड़ा है अंत की तरफ, कुछ ज़्यादा आपको बताने के लिए कुछ है नहीं। और अंत में उन लोगों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप शेयर करते रहिए, जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया आपके शेयर की ताकत, तो आपके शेयर की ताकत समझ रहे हो, शेयर की ताकत। ओके बाय, मज़े कीजिए।